जापान के ओकिनोशिमा टापू को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि धार्मिक रूप से पवित्र माने जाने वाले ओकिनोशिमा टापू पर महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। इसके साथ ही पुरुषों को भी इस टापू पर जाने से पहले निर्वस्त्र होकर नहाना जरूरी होता है। यहाँ नियम इतने कड़े हैं कि पूरे साल में सिर्फ 200 पुरुष ही इस टापू पर जा सकते हैं। टापू पर मुनाकाता ताइसा ओकित्सु मंदिर मौजूद है, जहाँ समुद्र की देवी की पूजा की जाती है। ओकिनोशिमा में 17वीं शताब्दी से जहाजों की सुरक्षा के लिए पूजा की जाती रही है। 700 मीटर में फैला यह टापू जापान के दक्षिण पश्चिम हिस्से में है। चौथी से लेकर 9वीं शताब्दी तक यह टापू कोरियाई प्रायद्वीप और चीन के बीच व्यापार का केंद्र हुआ करता था। पोलैंड में यूनाइटेड नेशंस के संगठन यूनेस्को की सालाना बैठक में इस जगह को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। बताया जाता है कि हर साल 27 मई को 200 पुरुषों को इस पवित्र स्थल पर जाने दिया जाता है। इसके बाद वे 1904 से लेकर 1905 के बीच रूसी जापानी युद्ध के समय आसपास हुई समुद्री लड़ाई में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाले पुरुषों को अपने साथ कोई यादगार चीज ले जाने की इजाजत नहीं होती और उन्हें इस दौरे के बारे में किसी से भी कुछ साझा नहीं करना होता। जहां तक महिलाओं को इस टापू पर ना आने देने की बात है, तो इसके पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है, लेकिन लोगों का मानना है कि पीरियड की वजह से महिलाओं को यहां नहीं आने दिया जाता, क्योंकि इस दौरान वे अशुद्ध मानी जाती हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र की यात्रा खतरनाक होती है और पुरुष अपने बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाओं की जान खतरे में नहीं डालना चाहते।